हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत वी एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11.7। क्वेश्चन है बच्चों आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पर आधारित। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन यानी कि फाइ नॉट की वैल्यू दे दी बच्चों आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या रहा है कि विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक, ये फोटो लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। क्लियर है, तो एक मेटल है, इस मेटल पर क्या रहा है कि 330 नैनोमीटर का आप एक लाइट जो मतलब वेवलेंथ वाला एक लाइट डाल रहे हो, तो क्या इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो भैया इसमें जिसका अगर इसका एनर्जी, ये जो फोटोन है इसकी अगर एनर्जी इसके जो ये वर्क फंक्शन है अगर इससे ज़्यादा होती है तो निकल जाएगा, कम होगी तो नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि भाई वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, एक मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है वही वर्क फंक्शन होता है। तो भाई अगर एनर्जी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बराबर भी नहीं रहेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो अपने को एनर्जी कितना चाहिए, मिनिमम इससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके पास एनर्जी कितनी है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू 6.625 × 10⁻³, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगा, सॉरी 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा दे दिया अपने को 330 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों कितना, आंसर हमारा जो भी आएगा जूल में आएगा, एच सी बाई लैम्डा, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 से इसको काट दो 110^12 में चला जाएगा, और फिर इसको काट दोगे तो कितना आंसर आता है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाता है बच्चों 6 × 10⁻³, ये हो जाएगा 9 × 8 = 17, 17 × 17 = 34, यानी कि लगभग लगभग माइनस का 19 जूल इतना आंसर आ गया। क्लियर है, तो बच्चों एनर्जी कितना आ गया अपने पास, फोटोन की एनर्जी आ गई 6 × 10⁻⁹ - 19 जूल, है ना। अब अपने पास वर्क फंक्शन देखो कितना दे रखा है, वर्क फंक्शन बच्चों अपने को दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में। तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो कितना आता है जरा देख लिया जाए। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻¹⁹ जूल था। अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते तो एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए इससे कट गया, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा अपने पास 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी बच्चों ये लेस देन वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन देखो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी जो फोटोन की है वो कम है वर्क फंक्शन से, इसलिए एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इससे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को इसमें आप नहीं देख पाएंगे। तो ये आसान सा सवाल था बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।